वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत अच्छे वाला ख्याल रख रही हूँ। अगर मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास A1 फिट फाट और हवा में रही हूँ। लहरा शमीर फसी, मैं हमको पकड़ना उड़ जाएंगी और देख लो कैसे मैं उड़ रही हूँ। कॉपीराइट का मसला ना आ जाए, नहीं तो मैं चली किधर? पिकनिक स्पॉट एक्सप्लोर करने के लिए। आज तैबा ने और मारिया ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि जाए जरा पिकनिक के लिए जगह तलाश करके आए। अब मैं सही आ रही हूँ, फिट फाट आ रही हूँ, अब मैं सही आ रही हूँ। और मैंने ना इधर उधर फिर के ना तो पिकनिक स्पॉट जो है ना वो एक्सप्लोर कर रही हूँ। आओ मेरे नाल, तो तुम भी दसो कितने पिकनिक ना आइए। वो वैसे दरख्त कहीं अच्छा लग रहा है, पीछे उतर रहा था ना, तो पीछे तो मैं यहाँ से पहले व्यू देख लूँ की फोटो शोटो अच्छी आ जाएगी। ओहो क्या व्यू है, छोटे छोटे जाओ दो गोल गप्पे लेके आओ, ठीक है? आ रहा हूँ मैं भी बाहर, चलो चले। ये शीशा नहीं करना, शीशा ऊपर नहीं करना, सामने तो खड़ी है। चले मैं आ गया फिर मैं भी। ओके अपनी जगह अपनी जगह। ओ गाइया भी आई थी मामा, आपके बाथरूम चप्पल पहन के आई हुई है। मैं बाथरूम पर ही चप्पल, जैसे तूने मुझे बुलाया मैं वैसे ही भाग गई। हाय हाय, वो देख शमीर ले गया इसको ठीक करें। मामा यहाँ उधर स्पॉट पे चलते हैं फिर ठीक करते हैं, ठीक है? अरे मामा टूटी हुई चप्पल के साथ आ रही है, पाऊ पाऊ ऐसे खींचते हुए पाऊ। चप्पल ना वहां नहीं दिखाई आपकी चप्पल, क्या हो गया आप? चप्पल नहीं आ रही, चप्पल चप्पल आ ही नहीं रही। हाँ चप्पल आ ही नहीं, लहलहाती हुई ऐसे मामा आ रही है, ऐसे ऐसे ये पाऊ जा रहा है, ऐसे ऐसे लेके जा रही है चप्पल के साथ। हमारे ये कुछ करने लगे हैं, ये कुछ करने लगे। पहले नहीं था ना है यहाँ पे कुछ भी। अरे वो मेरे यहाँ ना वो बड़े बड़े पत्थर नहीं मिलते, वो ऐसे स्लोप बना के लगाने लगे हैं कुछ। आपको क्या लगता है? बर्फबारी, वाह। हमारे यहाँ मैं छलांग मारू बीच में, वो देखे अच्छा, वो देखे क्या कऊज है, कऊज कऊज है। शमीर क्या हसी क्या है? कौ तो नहीं, कौज है कौज। और डॉगी भी आया, डॉगी भी आया, चाचा भी आ गया, चाचा भी आ गया वीडियो देख के। चलो चलो मामा मैं इंजॉय कर लूंगा थोड़ी देर बैठ के, ठीक है? अच्छा ये पीछे मोटरवे है, वो पीछे मोटरवे, लाहौर की मोटरवे। अच्छा ये ना सियालकोट का एक गांव है, गांव का नाम शामिल कोई नहीं जमता। ओए ये गांव का नाम मुझे खुद नहीं आता मुझे नहीं आता, लेकिन वो जो पीछे है ना मोटर पे। और चाचा कह रहे हैं मोत्रा, चाचा कह रहे हैं अच्छा जी इस साइड में कह रहे हैं जाम के, और इस साइड में मोतरा है, और हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं। इस साइड में जाम के, इधर मोतरा, असी बीच, और वो मोटर पे जा रही है लाहौर को, वो साथ में जा रही है, और मोटर जा रही है, मोटर पे जा रही है। ये जो है नहर आ रही है, चाचा जी नहर किधर जा रही है? नहर जेड़ी है रावी में जा रही है, रावी में जाके गिरनी है। हाँ रावी में जाके गिरनी है, और फिर रावी ते नहर दे आपस दे विच मिल जाना है। हाँ। छोटे आप कुछ कहना चाहेंगे इस नहर के मुताबिक? नहा लो आप इसमें, वैसे आप दो दिनों का नहीं नहाए। हाँ जी अच्छा, चाचा कह रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। चलो इन शॉर्ट जब से चाचा जी कह रहे हैं कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ना, ये नहर जो है ना बंद कर दी है, नहीं तो पहले जो था ना वो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी होता था, तरबूज बीज वेल तरबूज में खेड़ देते तैर रहे थे, तैर रहे होते तैर रहे होते। यहाँ मोची आ गया पिकनिक मनाने, मोची पिकनिक मना रहा है, जूती रिपेयर कर रहा है, और मोची का जो छोटा है ना वो पास खड़ा है। मोची कोई औजार चाहिए तो छोटे चल गड्डी दे विच स्टेपनी कट के ले आ जाती जोड़नी। अरे ये मेरी सीधी कर रहा है, सीधी सीधी कर, नहीं नहीं सीधी करेगा, और मैं ये जूती मेरी हो गई है सही। तो मोची गोंदरा पानी का नजारा करवा रहा है, वाओ क्या जबरदस्त है, क्या जबरदस्त। और वो दूर मेरी सेंटरों खड़ी है, और वो सामने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो सामने जो है वो थाना है ना, थाना है वो बाहर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पता नहीं क्या है, सब मैं करीब करके देखूँ क्या है पंजाब
पंजाब पेट्रोलिंग पता नहीं क्या है, ये तू बता क्या है पंजाब पेट्रोलिंग, पता नहीं पेट्रोलिंग वाले हैं वो हाईवे पे मोटरवे की पेट्रोलिंग वाले हैं, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग जो भी है दूर करो बस, दूर की करिए हमें दूर करे, वो पानी दिखा तो देख लिया बुंदनी क्या पानी है, और क्या सोने की नहरें बह रही हैं यहाँ पे, सोने की नहरें भी तो कभी बहेंगी ना, तो बस यही है पानी है, हमारे पाकिस्तान में भी कभी सोने की नहरें बहेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इम्पोर्टेड को मजा आएगी तो बहेंगी ना, इम्पोर्टेड को मजा आएगी, चल बस हूं इतनी टिकी हो रहना, उन्होंने क्या था बस एक ही स्पॉट देख के आ जाओ, उस साइड पे जाके पूरा फिर के आइड पे नहीं है कुछ भी, उधर भी कोई अच्छा है इससे अच्छी बेहतर है जगह, उस साइड पे नहीं है कुछ भी, भाई किधर जा रहे हो दोनों, मैं इनके पीछे पीछे पिछू में मैं जा रही हूँ, देख के फंसी क्या इसमें, मटी गई है, रेत है रेत रेत रेत, मैं भी कोशिश करती हूँ आने की, हाँ वो रास्ता सही नहीं था, बल्कि सबर कर मैं उस साइड से तला, नहीं यार मेरे से नहीं नीचे ऊपर आ जाएगा, ये स्लोप है काफ़ी, और ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए नहीं, मुझे करीब ही जाना पड़ेगा, करीब जाना पड़ेगा मुझे, खबर कर जा, कोशिश तो करने दे मुझे, कोई बात नहीं कोशिश कोशिश करने दे, नहीं 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 फंसी मुझे ना, आ कैसे रही है ये जिस तरह आ रही है, अब ये दे देखना ये कैसे आ रही है, मत आए अब किधर है ये ठीक है, आ जा मामा निकल ही ना जाना आगे कसम है, आ जा नहीं नहीं इधर इधर से दो दे, नहीं ये कितनी मजे की जगह है, ले मेरा इधर थंबनेल, ये ले मामा पहले कहती थंबनेल ले लो मेरा यहाँ पे, अब अच्छा मैं लेता हूँ, सबर करने सबर करने पर क्या हो है, ये गाड़ी गाड़ी का डोर मैं क्या चेक कर रहा था एक दफा, मुझे ऐसा लग रहा नहीं बंद, मामा ये वाला फ्लाई वगैरह पुल उस साइड पे, अच्छा वैसे ना चाचा ठीक कह रहा था, चाचा ठीक कह रहा था कि इधर वो गर्मियों में जो है ना तरबूज वगैरह इन्होंने पता नहरों में डुबोए होते हैं, एक दफा मैं ना करे मारिया ने फिर कहने देख लेना है? देख दो। एक दफा तेरा रिश्ता आई थी ये पुल के ना पार, पार उनका घर था, अच्छा और अभी भी आपको जगह का नाम नहीं था पता, पता नहीं क्या होता ना, मामा अगर मैं आया होता ना यहाँ पे मुझे रिश्ता देखा हुआ था मुझे इनकी जगह भूलने, यहाँ पे आके ना तो मेनू पुरानी यादें जो है ताजा हो गई, मैंने इधर सेव का रिश्ता देखा था, कसम अल्लाह दी मैं भूल गई, चलो 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 ज्यादा डिस्कस ना करो इस बात को, मामा की चप्पल जो है ना बह गई, पानी पकड़े 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 आ गया आ गया, जल्दी निकाल भाई पकड़ो मामा पहन दे, मामा आपको तो फ्री हो गई हो साथ के अंदर, मजा बड़ा है, चले चले वो गंदी हो गया साफ कर ले राजे, फसी का पता दिल किया था क्या दूर कहीं चली जाए, कसम से फसी का दिल था, फिर मैं छलांग लगा के अंदर जाके पकड़ूं, अंदर से जाके शक्ल ही देख लें इसके, ठीक है मैंने कहा मैं भी फ्रंट से आके था शक्ल दिखा दूं अपनी, और बाल सारे जो है ना अब आप बड़ी तेज़ उड़ रहे हैं, बिल्कुल खराब नहीं मेरा सही है, मैं तो तशन में, मेरा भी खराब हो गया, मुझे नजर भी कुछ नहीं आ रहा, मैं तो तशन में होगा ना चाहिए यहाँ पे तशन में, तशन में कोई और लगा कॉन्सर्ट होने लगा, असल में एक तो मेरी ब्लैक शीशे वाला ग्लॉस है और दूसरी आगे देख रहा हूँ बाइक की ब्राइटनेस तेज क्यों नहीं हो रही, तेज क्यों नहीं हो रही, और बाद में मैंने भी देखा गाड़ी में ग्लासेस लगाए हुए थे, मैं कहता ब्राइटनेस तो तेज है, ग्लासेस ब्लैक शीशे वाले पहने हुए हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ अभी, मेरे साथ भी यही हो रहा है, मैं ऐसा बताने जा रही थी तूने एक्सप्लेन कर, ओह माय गॉश हाउ एक्सप्लेन सलमान दे एक्सप्लेन इट की ख्याल है, हुन काफी टाइम हो गया, चलो 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 और सारी जो सूरत हाल थी ना डिटेल, वो गड्डी से बैठ के ना सारी डिटेल बताती हूँ, क्यों यहाँ आए किस लिए आए की वजह था
क्या था सारा कुछ बताती हूं। दो मिनट में बस अभी आपको बता रहे हैं, बस मम्मी ऊपर ये चोटी जो है चढ़ लें, ये वाली चले मामा, केटू की चोटी, केटू माउंट एवरेस्ट जो है मामा चढ़ लें, चले मामा माउंट एवरेस्ट चढ़ो जल्दी, चलो 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 चले चले, हेलो मेडे मेडे चलो, ये दोनों जो हैं वो चले गए हैं ड्रिंक लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए, और अब आपको मैं बताती हूँ सारी सुर। ये दोनों जो हैं ये गए हैं कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, और तुम आ भी गए हो है, बड़ी जल्दी पहुंचे मेरे लिए है मिरिंडा, मिरिंडा का टिन है, सबर करो धूप लग दी है तो मैं जरा ऐनक लगा लूं तो कि बात नहीं होती। अच्छा यार सीन कुछ इस तरह का था कि पता, और तू मेरी बातें सुन रहा है तो जा फिर। अच्छा सीन कुछ इस तरह का था कि हमें हो गई थी छुट्टियां, गर्मी थी बहुत ज्यादा, तो मारिया और तैबा ने जो है ना वो जान खाई हुई थी और कह रही थी कि बस जी पिकनिक प्लान करो, पिकनिक प्लान करो, बस पिकनिक प्लान करो। तो कल हम रात को प्लान करते रहे कि कहाँ पर पिकनिक के लिए चले, और जगह भी वो वाली होनी चाहिए जी ठंडी ठार हो, ठंडी ठार तो फिर यही था कि पानी के करीब करीब कहीं रहा जाए। तो फाइनली हमने ये वाला जो स्पॉट है ना ये वाला प्लान किया, और यहाँ पर हमने आना है बहुत जल्द जो है वो पिकनिक के लिए, और जुहेब साहब भी आ गए हैं। जुहेब तू क्या लेके आया, जुहेब क्या लेके आया, लीची का इसकी बॉटल कैसी है, मजे का है। तो फाइनली प्लान किया है कि यहाँ पर आएंगे हम पिकनिक मनाने के लिए, और हम सारा कुछ जो है वो कुक करके लाएंगे, और आप लोगों को भी साथ ही रखेंगे, आप लोगों को हम लोग बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलते, तुहानू हमेशा असी अपने दिल दे नाल ला के ते हमेशा अपनी यादा दे विच ते अपनी मोहब्बत दे विच रखने हैं। जनाब तुसी कुछ कहना कि सिर्फ खाना पीना ही है, मैं थोड़ा बिजी हूं, सॉरी सॉरी प्लीज, हैं 2 मिनट्स, 2 मिनट्स और 2 मिनट्स चाहिए मुझे भी, मैं भी ये पी रहा हूँ, मामा भी अपना पीने लगे हैं, और शमीर फसी जो ऑलरेडी अपना पी रहा है, तो फिर अब गर्मी का जो है ना थोड़ा सा तोड़ना ढूंढना है, थोड़ा सा कुछ एनर्जी ले लेना थोड़ा सा, ताकि फिर हम एनर्जी जो अपनी दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं, तो बस फिर इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अभी चलते हैं घर, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा गर्मी हो गया, जाते जाते हमारी खत्म होंगे और हमारी जो एनर्जी थी वो फिर डाउन हो जाएगी घर जाके फिर, और मेरी कोई एनर्जी डाउन नहीं हुई, मैं सिर्फ जेब का लेक्चर भी सुन दी, जेब की एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, मेरी कोई एनर्जी डाउन नहीं हुई, मेरी एनर्जी वैसे की वैसे ही है, और चिल करो मिरिंडा पियो इंजॉय करो, और बहुत जल्द जो है हम इस खूबसूरत स्पॉट पे पिकनिक के लिए आ रहे हैं, तो कहीं मत जाना आपने, और हमारे साथ जो है वो इंजॉय करना है पिकनिक को, पिकनिक पार्टी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ज़ोमी याद रखिएगा, बाय बाय, वो देखिए कोक में इतना बिजी है उसने बाय भी नहीं किया, बाय करो, चलो ना, बाय बाय टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर, टाटा।